अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका मस्ती बाय जैनब। आज मैं आपके साथ अपनी संडे की रूटीन शेयर करूंगी। आज संडे है तो हम सब लेट उठे हैं। उठ के सबसे पहले तो मैंने अपना रूम साफ की। आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी खिड़की खोल के, तो मेरा दिल खुश हो गया। और आज काफ़ी दिनों बाद धूप निकली थी, बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा था और सुकून मिल रहा था धूप में खड़े होके। इसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दिया और खाने का जो आज मेन्यू है वो है बीफ बिरयानी। रात को ही डिसाइड हो गया था कि क्या बनाने वाली थी, मुझे कहती था कि मैंने बीफ की बिरयानी खानी है तो फिर इजी रहता है। आज मैं आपके साथ अपनी बीफ की बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बीफ बिरयानी बनाऊंगी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत ही मज़े की ये बनती है। सबसे पहले तो मैंने ऑयल लिया है 1/2 कप और इसमें मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है ताकि इसका जो स्मेल है और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। बीफ की बिरयानी मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊंगी। ये मैंने पहले भी एक दफ़ा बनाई थी तो अली को बहुत ही पसंद आई थी, तो आज उन्होंने फरमाइश की है कि दोबारा से मुझे बना के खिलाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँ। जितनी देर गोश्त का पानी ड्राई हो रहा है उतनी देर मैंने ये 2 अदद प्याज ली हैं और इनको बारीक बारीक कटिंग कर ली है। प्याज की कटिंग करने के बाद इसको मैं गोश्त में ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसी तरह से इसको मिक्स करूंगी और फिर इसमें मैं ऐड करूंगी बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मैंने इसमें घर का ही ऐड किया है और इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे पहले से ही अपलोड की हुई है। जिसने अभी तक नहीं देखी है वो जाके विज़िट करें, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया। थोड़ा स्पाइसी बिरयानी अच्छी लगती है तो स्पाइसी करने के लिए बिरयानी को मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। इसके बाद मैंने टमाटर की प्यूरी ऐड की है। 4 अदद टमाटर लिए हैं और 3 अदद उसमें मैंने हरी मिर्च ऐड की है। आप टमाटर इस तरह से भी कट करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो छिलके मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। छिलके समेत मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने ऐड की है और 1 जग भर के पानी का इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे और 1 घंटे के बाद आप ये देखें गोश्त हमारा तकरीबन सॉफ्ट हो चुका है। और लास्ट में मैंने इसमें इमली का पल्प ऐड किया है और फिर इसको तकरीबन 20 मिनट मैंने कवर करके रख दिया है। और 20 मिनट के बाद देखें ऑयल आ गया, इसको हम रखेंगे साइड पे और अब हम चावलों की तैयारी करेंगे। चावल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल ऐड किया है। इसके अंदर मैंने साबुत सारे गरम मसाले ऐड किए हैं और फिर इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। और पानी ऐड करने के बाद फिर इसमें हरे मसाले ऐड किए हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना और लीमू। जैसे ही पानी को उबाल आना शुरू हो जाए तो आप इसमें चावल ऐड कर दें। चावल अगर आपके 3 कप हैं तो आपने इसमें 5 कप पानी ऐड करना है। चावल अब दम वाली स्टेज पे आ गए हैं। अब जो मसाला हमने तैयार किया हुआ है उसके लेयर्स लगा देंगे और लास्ट में इसमें मैंने फूड कलर ऐड किए हैं और हरी मिर्च ऐड की है और तकरीबन इसको 15 मिनट का दम लगा देंगे। इस टाइम पे सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और बिरयानी को देख के तो भूख और भी ज़्यादा लगती है। और अभी 15 मिनट थे बिरयानी को, तो अगर मैं इनको बताती ना कि 15 मिनट और हैं तो बस मेरी हैर नहीं थी। तो मैंने जल्दी से टेबल लगाना शुरू की कि इनको ज़रा सुकून हो कि खाना बन चुका है और खाना बस अब मैं लगाने लगी हूँ। और 15 मिनट के बाद आप ये देखें बिरयानी हो गई तैयार और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस टाइम पे सब कह रहे थे फटाफट खाना लगा दो, वीडियो को छोड़ो जल्दी से। बस मैंने खाना जो है ना सर्व किया है और बिरयानी आप देखें चावल खिला खिला और इतना मज़े का बना के बहुत ही टेस्टी। लाजमी आप भी ट्राई करें और वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करें। और ये देखें मेरी मज़ेदार सी प्लेट। और अब आप मुझे इजाज़त दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लाजमी। याद से अल्लाह हाफिज़।